वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरम्बुधा संश्रिता वीरेन अभिहत स्वकरम निचयो वीराय नित्यं नमे वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्री धृतिकीर्ति कांति निचयो हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर विगत प्रवचन में हम अंत भला सो भला इस संदर्भ में कुछ परिचर्चा श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे थे। हमने विचार किया था कि इस नश्वर जीवन का कोई भरोसा और कोई एतबार नहीं है। जिस तरह कच्ची मिट्टी के पानी से भरे हुए घड़े का विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह घड़ा तनिक से धक्के से ही फूट जाता है, ठीक इसी प्रकार जीवन की डोरी भी तनिक से व्याघात से चटक जाती है, उम्र खत्म हो जाती है। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च आपरिहार्य अर्थे अस्मिन् किं त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु डेफिनेट और निश्चित है और जो मरता है उसका जब तक आवागमन के जंजाल से वह छूटता नहीं तब तक पुनर्जन्म भी निश्चित और डेफिनेट होता है। इसलिए जबकि मृत्यु को टालना किसी के लिए संभव नहीं है, इस अपरिहार्य इनएविटेबल विषय में शोकाकुल होना, चिंतामग्न होना और दुखी उदास होकर बैठना बिल्कुल भी उचित और ठीक नहीं है क्योंकि आना जाना यह क्रम बदस्तूर जीवन में चलता रहता है। जो जीव आया है वे अपनी आयु पूरी करके एक ना एक दिन जाएगा ही और जो गया है वह कहीं ना कहीं पुनर्जन्म नया जीवन नया शरीर जरूर बर जरूर धारण करेगा, इसमें किसी को शंका और संदेह नहीं होना चाहिए। कहा गया है कितने मुफलिस हो गए कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए, अमीर और गरीब में मौत कोई फर्क कोई लिहाज नहीं करती। मृत्यु के बाद जब शरीर को जला दिया जाता है अथवा दफना दिया जाता है तो दोनों ही प्रकार के शरीरों की एक जैसी गति और एक जैसी स्थिति होती है। अमीर गरीब में जाने के बाद कोई फर्क और कोई अंतर नहीं रहता। किसी शायर ने एक और बहुत खूबसूरत बात कही, इसी हद से है गरीबों को तसल्ली की अजल ने, इसी से है गरीबों को तसल्ली की अजल ने, मुफलिस को जो मारा तो ना जरदार भी छोड़ा। गरीबों को इस बात से तसल्ली मिल सकती है कि मौत अगर मुफलिस कंगाल दरिद्र को अपने साथ ले जाती है तो वह जरदार शक्ति संपन्न अधिकार संपन्न प्रभुता संपन्न पावर सेंटर व्यक्ति को भी छोड़ने और बचने का कोई मौका कोई अवसर किसी स्थिति और किसी सूरत में प्रदान नहीं करती है। इसीलिए तो कहा गया है दुनिया में अपना जी कोई दहला के मर गया, दिल तंगियों से और कोई उकता के मर गया, आकिल था वह तो आपको समझा के मर गया, बेअकल छाती पीट के घबरा के मर गया, दुख पा के मर गया कोई सुख पा के मर गया, जीता रहा न कोई हरिक आके मर गया, क्या काले पीले शकल के क्या गोरे गुल हजार, आशिक है और कोई माशूक तरहदार, आकिल हलीमो आमलो फाजल रसालदार,
पंडित नजूमी वैद्य चे नादान चे होशियार, दो दिन की शान हर कोई दिखला के मर गया, जीता रहा न कोई हर एक आके मर गया। चाहे एक तरफ समस्त सुख साधन अधिकार और सत्ता का बोलबाला हो और दूसरी तरफ वंचित और डिप्राइड जीवन हो, किंतु मौत के आने पर दोनों बराबर और दोनों समान हो जाते हैं। उनमें कोई फर्क कोई अंतर नहीं रहता। मृत्यु सभी को समान रूप से अपना निवाला ग्रास और आहार बनाती है। इसीलिए तो शेक्सपियर ने भी बहुत सुंदर बात कही, ऑफ ऑल द वंडर्स आई हैव हर्ड इट सीम्स टू मी मोर स्ट्रेंज व्हाई शुड फियर डेथ, डेथ इज एन इनएविटेबल एंड विल कम व्हेन इट विल कम। मुझे आश्चर्य और हैरानी है कि लोग मौत से डरते और भयभीत खौफ ज्यादा क्यों होते हैं। मौत तो जीवन की एक अटल सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जब मरना होगा तो मरना ही पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा चिंतातुर होने अपने दिलो दिमाग पर बोझ लादने की कोई जरूरत और कोई आवश्यकता नहीं है। कहा भी गया है, डेथ इज द वेटिंग रूम वेयर वी रोब आवरसेल्व्स फॉर इमोर्टैलिटी। मृत्यु वह विश्राम कक्ष है जहां हम अपने आप को अमृत के लिए तैयार करने का कार्य किया करते हैं, यानी मौत से ही जिंदगी की यात्रा आगे की ओर अग्रसर होती है। मौत और जीवन ये पड़ाव स्टॉपेजेस बार बार जीवन की यात्रा में आते हैं। मौत के बाद फिर जिंदगी मिलती है और जब जिंदगी मिलती है तो मौत के माध्यम से उसका पटाक्षेप भी निश्चित तौर पर हुआ करता है। बंधुओं, आप लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि क्या मरने मरने में भी कोई फर्क कोई अंतर है। सभी जीवों की आत्मा आयुष्य कर्म की डोरी से बंधी हुई निश्चित देह में निश्चित काल पर्यंत रहती है और वह अवधि पूर्ण होते ही उसे यहाँ से प्रयाण और प्रस्थान करना पड़ जाता है। आत्मा के शरीर को छोड़कर जाने की क्रिया में तो कोई अंतर नहीं होता, किंतु मरते वक्त प्राणी के मन में जो भाव जो परिणाम जो आइडियाज जो ख्यालात और जो विचार रहते हैं उनमें निश्चित तौर पर फर्क और अंतर पाया जाता है। उसी अपेक्षा से मरण के अनेक भेद और वर्गीकरण किए गए हैं। वैसे तो शास्त्रकारों ने मरण के कुल 17 भेद बताए हैं, किंतु मुख्यतः दो भेद किए गए हैं, बाल मरण अर्थात अकाम मरण और पंडित मरण अर्थात सकाम मरण। जो व्यक्ति मृत्यु की वेला उपस्थित होते ही सोचता है, हाय अपने भुजबल से उपार्जित इस धन संपदा और प्राणों से भी प्यारे स्वजनों को मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं इन्हें कैसे छोड़ पाऊंगा, क्या इस संसार में कोई ऐसी शक्ति औषधि और दवाई नहीं है जो मुझे मौत के मुंह में से जाने से बचा सके। यानी मौत का वक्त आते ही जो सिहर उठता है, जिसका रोम रोम प्रकंपित और कंपायमान हो जाता है। सारांश यही है कि मृत्यु का क्षण आते ही जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, मोह और ममत्व का पुतला बन जाता है, प्रत्येक वस्तु से उसका राग भाव इतना तीव्र हो जाता है कि उन्हें छोड़ते समय वह मर्मांतक वेदना का अनुभव करता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति का मरण बाल मरण अथवा अकाम मरण कहा जाता है। इसके अलावा मर्मांतक दुख से घबराकर भयभीत होकर जो भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से आत्महत्या आत्मघात सुइसाइड करता है, बिजली का करंट लगा लेता है, विष भक्षण कर लेता है, किसी गोली आदि का प्रहार अपने शरीर पर करता है, आग में जल जाता है जल में डूब जाता है, किसी ऊंची जगह पहाड़ी से या टीले से नीचे छलांग लगा देता है, खाई में कूद जाता है और इस तरह अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेता है। चूंकि उसके परिणाम भी
अंतिम समय में अशुभ और अशुद्ध रहते हैं, इसलिए ऐसे मरण को बाल मरण, अज्ञानी पूर्ण मरण कहा जाता है। सत गहनम विष भखनम जलनम जल पवेशोया अनायार भंड सेवी जम्मन मरणानी बंदई। और यह बाल मरण जन्म मरण की परंपरा को और बल और शक्ति और ताकत पावर और स्ट्रेंथ देने का कार्य किया करता है। यानी इसकी वजह से आवागमन के जंजाल में बहुत देर तक भटकने और रुलने के लिए जीव को मजबूर होना पड़ता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, मृत्यु उसके मन में तनिक भी दुख अथवा भय का संचार नहीं कर पाती। वह आत्मा के अलावा अन्य समस्त वस्तुओं को पर समझता है। उसे मृत्यु का समय आने पर अपनी समस्त विभूति और परिवार आदि को छोड़ते समय किंचित मात्र भी दुख और कलेश का अनुभव नहीं होता। वह समझता है यावत पवनो निवसति देह तावत कुशलम पृच्छति गेह गतवती वायो देह अपाए पत्नी बिभ्यति तस्मिन काए। जब तक शरीर में सांस चलती है तब तक कौटुंबिक जन पारिवारिक लोग फैमिली मेंबर्स उसका हाल चाल पूछने उससे प्रेम का दिखावा करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु देह की श्वास क्रिया बंद होते ही पत्नी भी पति को प्रेत समझकर भयभीत होकर भागकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है, अगर यह जल्दी भी आ जाए तो इसमें शोकाकुल होने और चिंतातुर होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिसे टाला नहीं जा सकता उसकी ज्यादा चिंता और ज्यादा खौफ करने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिसके सामने आप लाचार हैं, बेबस हैं, जिसकी लाठी, जिसके इशारे और जिसके संकेत पर आपको उसके वचनानुसार करना पड़ेगा, उसके आगे चिल पौ मचाने से भी कुछ बनने वाला नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति विचार करता है कि अज्ञानता पूर्वक तो मैंने अनेक बार जन्म मरण किया है और असीम दुखों को उठाया है, किंतु अब तो मुझे आत्म प्रतीति सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है, इसलिए मृत्यु का अवसर आ जाने पर हाय तोबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि शांतिपूर्वक समभाव में अवस्थित होकर मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उद्यत और तत्पर रहना चाहिए। किंतु पंडित मरण दुनिया में सभी को प्राप्त नहीं होता। पंडित मरण ना तो सभी भिक्षुओं का होता है और सभी गृहस्थों का होने की तो संभावना ही नहीं हो सकती। ना इमम सव्वेसु भिक्षुसु ना इमम सव्वेसु अगारिसु। गृहस्थ हो अथवा भिक्षु, जिसने भी कषायों का अंत कर दिया है वे ही तप और संयम का पालन करके देवलोक में जाते हैं। तानी ठानानी गच्छन्ति सिखित संयमम तवम भिक्खाय वा गियत्थे वा संति परिनिवुड़ा। प्रत्येक व्यक्ति को जो आत्म साधना करना चाहता है उसे अप्रमादी होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह तुच्छ निस्सार और पतन की ओर ले जाने वाली क्रियाओं से स्वयं को बचाने का प्रयत्न करे। कंखे गुने जाव शरीर भेऊं, जब तक शरीर विद्यमान है तब तक गुणों का संचय करता रहे और अपने जीवन के प्रत्येक पल को उपयोगी और सार्थक बनाने में कोई कोताही, कोई विलंब, कोई देरी और डिले ना करे, क्योंकि ऐसा करने में ही बुद्धिमानी और समझदारी छिपी हुई है और ऐसा करने वाला समझदार ही आवागमन के जंजाल से छूट सकता है, मुक्त हो सकता है। आप लोग एक रिहायशी अथवा व्यापारिक बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं, कुशल आर्किटेक्ट के दिशा निर्देशन में योग्य कारीगरों के द्वारा आप उसे तैयार करवाते हैं, लेकिन बंधुओं अच्छी तरह दीवारें खड़ी करवा लेने पर और फर्श भी बहुत कीमती मूल्यवान ग्रेनाइट अथवा मार्बल का लगा देने पर, किंतु अगर उस पर रूफ छत ना डाली जाए
तो उस बिल्डिंग को बनाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह भवन धूप, सर्दी, गर्मी और बारिश से आपकी रक्षा, आपका बचाव नहीं कर पाएगा। बारिश होगी तो वह भी बिना रोक टोक आपके घर अथवा आपकी बिल्डिंग के भीतर आएगी। धूप पड़ेगी, उसकी भी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, और अगर सर्दी की ठंडी हवाएं चलेंगी तो उनसे भी छत ना होने की वजह से बचाव कर पाना आपके लिए संभव और मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसी तरह एक अन्य उदाहरण भी समझना चाहिए। आप कुएं से पानी निकालने जाते हैं, कुएं में पानी की गहराई ऊपर से 100 फुट नीचे है, आप कमंडल के साथ रस्सी बांधकर उसे नीचे लटका देते हैं और रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं। खींचते खींचते 99 फुट रस्सी खींच लेते हैं, किंतु तब भी पानी ना पा सकने पर झल्लाकर, निराश, डिसअपॉइंटेड, डिसगस्टेड होकर रस्सी के पल्लू को हाथ से छोड़ देते हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा? यही कि रस्सी और कमंडल से हाथ धोना पड़ेगा और पानी भी आपको नहीं मिल पाएगा। आपकी प्यास भी अनबुझी और अशांत ही रह जाएगी और इतनी मेहनत के भी कोई फायदा आपको नहीं हो पाएगा। बस इसी तरह यह संसार भी एक समुद्र है, इसमें क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूपी महाभयंकर घड़ियाल प्रतिक्षण मुंह बाए मनुष्य का भक्षण करने के लिए घूमते रहते हैं। राग और द्वेष के भंवर हैं जिनमें उलझकर और पढ़कर व्यक्ति फंस जाता है। इस सागर को भी एक व्यक्ति किसी तरह बड़ी कठिनाई से पार तो करता है, किंतु आगे जाकर किनारा कुछ ही फासले पर रह जाने पर अगर वह तैरना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना बंद कर दे, तो इसका क्या परिणाम होगा? यही कि उसका सारे सागर को पार कर जाने का परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। आत्म साधना के इच्छुक व्यक्ति का जीवन आदि से लेकर अंत तक बड़ा कंटक का किरण होता है। उसे कहीं भी निरापद यानी आफत से रहित स्थान मिलना मुमकिन और संभव नहीं होता। उसे जीवन पथ को पार करने के लिए अथक प्रयत्न, अनटायरिंग एफर्ट्स और मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, पूर्वज अपने जीवन काल में बहुत अच्छे और नेक काम कर गए, उन्होंने खूब दान दिया, अनाथों की रक्षा की, असहायों की सेवा की, इसलिए अगर अब मैं कुछ ना भी करूं तो भी चलेगा, उनका वंशज होने के नाते उनके अच्छे कर्मों का कुछ ना कुछ भाग, कुछ ना कुछ हिस्सा, पोर्शन तो मुझे भी निश्चित रूप से मिलेगा, प्राप्त होगा। याद रखिए, आपके पेट में वही भोजन जाएगा जिसे आप अपनी इच्छा से, अपनी भावना से निवाले और कौर बनाकर अपने मुंह में डालने की चेष्टा और प्रयत्न करेंगे। इसी तरह उसी कर्म का पूरा लाभ और पूरा फायदा आपको मिल पाएगा जिसे आप भावना पूर्वक, इच्छा के साथ विलिंगली करने के लिए उद्यत और तत्पर होंगे। अन्यथा आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का समुचित लाभ और समुचित फायदा किसी स्थिति में भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। किसी भी मनुष्य को यह भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए, स्वयं को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए कि बचपन में तो मैं अपनी माता, पिता, दादा अथवा दादी की उंगली पकड़कर उनके साथ धर्म स्थान में चला जाता था, साधु साध्वियों के दर्शन करने का लाभ लेता था, कुछ ना कुछ धर्म के अक्षर भी सीख लेता था, सामायिक के पाठ भी याद करने के लिए तत्पर रहता था, बड़ा होने पर संतों को विहार कराने, लाने और छोड़कर आने में भी अपनी आहुति अर्पित करने का प्रयत्न किया करता था, नवकार मंत्र के जाप में सम्मिलित होता था, यथाशक्ति, एकाशना, आयंबिल आदि तपस्या करने के लिए भी उद्यत
और तत्पर रहता था, किंतु अब तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंधों पर बोझ बनकर लदी पड़ी हैं और इन्हें निभा पाने के लिए भी समय और फुर्सत नहीं मिल पाती, तो फिर धर्म ध्यान करना तो कैसे मुमकिन, कैसे संभव हो सकता है। तो ऐसी सोच बिल्कुल वैसी होगी जैसी सोच उस व्यक्ति की होती है जो ट्रेन में सफ़र करने से पूर्व सारी तैयारी कर लेता है, पूरब में ही अपनी बर्थ रिजर्व बुक करवा लेता है, कपड़े नए स्टिच करवा लेता है, तैयार करा लेता है, ब्रीफकेस में अपनी जरूरी वस्तुएं भी समय से पूर्व इकट्ठी कर लेता है, अपना आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड आदि सब कुछ दस्तावेज संभाल कर अपने साथ रख लेता है और ट्रेन के छूटने से काफ़ी समय पहले घर को लॉक करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, प्लेटफार्म पर जाकर बैठ जाता है, किंतु ट्रेन के डिपार्चर छूटने से 5 मिनट पहले वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो जाता है, गहरी नींद में गलतान हो जाता है। तो फिर आप बताइए कि उसके लिए यात्रा की तैयारी पहले जो उसने की है उसका क्या लाभ और क्या फायदा हुआ? कुछ भी तो नहीं, उसकी ट्रेन तो छूटी गई, यात्रा अधूरी रह गई। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो कहते हैं कि अभी तो शरीर में खूब शक्ति, खूब ताकत है, व्यापार व्यवसाय करके अर्थोपार्जन कर लें, धर्म का क्या है, वह तो बुढ़ापे में भी कर लेंगे, अभी तो बहुत जिंदगी, बहुत समय बाकी बचा हुआ है, इसलिए धर्म ध्यान करने में जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग तर्क देते हैं, आज कहे कल भजूंगा, आज कहे कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल के करत ही औसर जासी चाल, आज का काम कर पर टालते टालते ना मालूम कितना समय बीत गया और कितना बीत जाएगा, किंतु कल कभी भी आने का नाम नहीं लेता और कल अपने शैतानी पंजों से व्यक्ति की सारी योजनाओं और प्लानिंग्स का गला घोंटने का कार्य करता है। कल तो कभी भी नहीं आता, काल सिर्फ वर्तमान और प्रेजेंट के रूप में ही आपके सामने उपस्थित होता है। जो व्यक्ति यौवन काल में कुछ ना करके अधेड़ावस्था, प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था आ जाने पर, जबकि उसकी देखने, सुनने, सोचने, समझने, परिश्रम करने, स्वाध्याय करने, त्याग तपस्या, व्रत पचखान, नियम प्रत्याख्यान करने की शक्ति और ताकत घट जाती है, उस समय ईश्वर भजन, प्रभु भक्ति करने की बात सोचता है, वह वैसा ही नादान और मूर्ख इंसान है, क्योंकि कार्य तो बहुत महान है परंतु आयु बहुत थोड़ी है, उस पर भी जीवन का कोई भरोसा और कोई एतबार नहीं है। बंधुओं, अगर आपको अपने जीवन को सफल बनाना है तो आज से ही अपने कल्याण के कार्य में लग जाइए, आज से नहीं बल्कि इसी क्षण से, जो कुछ अब तक हुआ सो हुआ, ग्रीव इट नॉट, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, जो कुछ हुआ उसकी चिंता छोड़कर उससे सबक और लेसन लेते हुए आज से ही अपने भविष्य के लिए तैयारी करने के कार्य में जुट जाना चाहिए। तभी तो कहा गया है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित में खता न पावे, कहे गिरधर कविराए, यह करूं मन प्रतीति, आगे को सुख समझ होई बीती सो बीती। बीते हुए को भूलकर आज से ही अपने आगामी जीवन और मृत्यु जो हाजिर नाजिर है, जिसे टालना तीर्थंकरों के लिए भी संभव नहीं हुआ, उसके लिए तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। बंधुओं, मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य के मन में दुख और भय का संचार होने लगता है, वह सोचता है अगर उसका वश चले तो वह कभी भी मरने के लिए तैयार ना हो।
किंतु मृत्यु को इतना भयंकर और खतरनाक नहीं समझना चाहिए। मृत्यु हमें कष्ट नहीं पहुंचाती, कष्ट तो बीमारी पहुंचाती है, किंतु मृत्यु बेचारी व्यर्थ ही कोसी जाती है और कोसे जाते हैं, दोषारोपण किया जाता है डॉक्टरों पर, वैद्यों पर, चिकित्सकों पर, हकीमों पर और सर्जन्स पर। इसीलिए तो एक कवि ने भी व्यंग्यात्मक रूप से कहा है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यम राज सहोदरम। वैद्यराज आपको नमस्कार है क्योंकि आप यमराज के सहोदर और सगे भाई हैं, किंतु इन बातों में किसी को अपने कष्ट और तकलीफ के लिए जिम्मेदार ठहराने में, झूठा आरोप लगाने में कोई दम और कोई सच्चाई नहीं है। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि मृत्यु जैसा कि अधिकांश लोग समझते हैं वह वैसी भयंकर और खतरनाक नहीं है, यह तो शांतिमयी है क्योंकि इससे नया जीवन मिलता है। ईसा मसीह ने मरते समय कहा था, ऐसा लग रहा है मानो मेरे एक एक रोम में फूल खिल रहे हों। जर्मन विद्वान हेनरी थोरो ने अपने मृत्यु के समय ये शब्द कहे थे कि संसार को छोड़ने में कोई कष्ट और कोई तकलीफ नहीं है। गेटे के लास्ट वर्ड्स अंतिम अल्फाज थे, प्रकाश और अधिक प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती को जब दूध में जहर मिलाकर दे दिया गया तो उस समय भी तनिक भी विक्षोभ अपने हृदय में लाए बिना उन्होंने स्वयं को जहर पिलाने वाले को प्रसन्न भाव से कहा, जा प्रभु तेरी भी इच्छा पूरी करे। सारांश यही है कि मृत्यु पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनने, पुराने घर को छोड़कर नए घर में निवास करने के समान है। इससे डरने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग मरना जानते हैं उनके लिए मौत तनिक भी भयंकर और खतरनाक नहीं होती। जॉन मिल्टन ने इसीलिए तो कहा है, डेथ इज द गोल्डन की विच ओपन्स द पैलेस ऑफ एटर्निटी। मृत्यु वह सोने की चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। सुकरात ने भी यही कहा है, बी ऑफ ए गुड चीयर अबाउट डेथ एंड नो दिस ऑफ ए ट्रूथ दैट नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ। मृत्यु के बारे में हमेशा प्रसन्न रहो और इस बात को अच्छी तरह से जान लो, समझ लो कि एक अच्छे, नेक और चंगे आदमी पर जीवन काल में अथवा मृत्यु के बाद भी कोई मुसीबत और कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है, जब वह आए तो द्वार खोलकर उसका अभिवादन करो और अपना जीवन धन उसके चरणों में समर्पित करो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी अन्य विकल्प, अल्टरनेटिव और चारा नहीं है। जिस समय जीवन के अंतिम क्षण उपस्थित होते हैं उस समय भी परिवार के लोग शांति से मरने नहीं देते। हम देखते हैं कि उस वक्त भी परिवार के लोग मरने वाले के मोह को उदीर्ण और जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। पत्नी आंखों में आंसू लिए पति के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, नाथ अब आप तो चले, आपके पीछे मेरा क्या होगा, कौन मेरी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा, कौन मेरी जरूरतें पूरी करेगा, कौन मुझे सुख पहुंचाने का ख्याल रखेगा। इस तरह वह अपना ही दुख दूसरे के मरने वाले के सामने प्रकट करने की चेष्टा करती है। बच्चे भी मरने वाले पिता के सिरहाने खड़े होकर भविष्य की तकलीफ की आशंका अपने पिता से शेयर करने की चेष्टा और प्रयत्न करने में लगे रहते हैं। बूढ़े माँ बाप अपने भविष्य की असुरक्षा, फ्यूचर इनसिक्योरिटी का भाव अपने संतान के सामने प्रकट करके जाने वाले के दिल को और अधिक बोझिल, हैवी और बर्डन्ड करने के कार्य में लगे रहते हैं। परंतु ऐसे समय में भी मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी आत्मा के प्रयाण करते ही ये सभी कुटुंबी जन भी उसके इस शरीर से डरेंगे। अकेला कोई 5 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं बैठेगा, जल्दी से जल्दी शमशान में ले जाकर
चिता बनाकर फूंक कर आने की तैयारी करेंगे और उसके बाद उसकी स्मृति भी कुटुंबियों के हृदय में कुछ समय के बाद धुंधली पड़ जाएगी, उसे लोग भूल जाएंगे और अपने नए बनाए हुए रिश्तों में और उन रिश्तों में आनंद तलाशने में लग जाएंगे, उसकी याद भी किसी के दिल में बाकी नहीं बचेगी। यह सोचने पर प्राणी के अंतःकरण से राग द्वेष मोह और ममता के भाव समाप्त हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु तनिक भी कष्टप्रद नहीं होती, वरन आनंददायिनी बन जाती है। और ऐसे मरण को बाल मरण नहीं बल्कि पंडित मरण ज्ञानी मरण कहा जाता है, क्योंकि पंडित मरण ऐसा मरण है जिसके माध्यम से शरीर छोड़कर हम भविष्य में आवागमन के जंजाल से छूटने की शक्ति और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। समझ लीजिए, अंतिम समय को सुधारना संपूर्ण जीवन को सुधारना है, इसलिए इस महान कार्य में तनिक भी उपेक्षा लापरवाही और प्रमाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण अगर आप सुखपूर्वक बिता लेते हैं उन क्षणों में भी आप डामाडोल विचलित हुए बिना समभाव में अवस्थित होकर निरपेक्ष भाव से मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार रह सकते हैं, तो ही आपकी मौत भविष्य की मौतों से आपको बचा सकेगी और आप आवागमन के जंजाल से छूटने में कामयाब हो सकते हैं। शेष आगामी प्रवचनों में आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।